हाँ जी, सो फाइनली वी आर हियर विद आवर इवनिंग फॉर टॉक विद बिजनेस पायनियर्स सुरेश जी अग्रवाल, दीपक जी चौकसी एंड आशीष जी राठी. सो दीज थ्री बिजनेस पायनियर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, इनके साथ बात करना वॉज द नीड ऑफ एन आवर, प्रोबेबली इज द नीड ऑफ एन आवर. इट्स बिकॉज प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड बिजनेस को लेके कई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के तरीकों में कुछ इनोवेटिव लाना चाह रहे हैं, एंड टू डिस्कस विद दीज थ्री बिजनेस पायनियर्स वाज द नीड ऑफ एन आवर. एंड सो हियर वी आर विद द टॉक विद बिजनेस पायनियर्स. सो वन बाय वन आई इंट्रोड्यूस आवर व्यूअर्स टू आवर स्पीकर्स टुडे. टू स्टार्ट विद सुरेश जी अग्रवाल. सुरेश जी अग्रवाल इज कनेक्टेड टू रूपा ग्रुप, a leading textile industrialist. In Surat, he has got Rupa Dyeing and Printing Dyeing House inka hai. Wo socially bhi bahut sare organizations se connected hai, NGOs and lot more. So welcome Suresh ji. It's a pride to have you with us. Next, I would like to introduce Deepak Chokshi ji. Deepak Chokshi ji ke baare mein baat kare, to 1997 mein उन्होंने ये इनिशिएट किया था गोल्ड सिल्वर डायमंड प्लैटिनम के साथ. तो जब उन्होंने ये इनिशिएट किया था, उसके बाद 2000 से 2006 तक ही हैज बीन अवार्डेड एज आईएस एक्सपोर्टर अवार्ड फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स. इन 2011 ही इनॉग्रेटेड देयर ओन शोरूम. तो ये जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, दिस इनॉग्रेशन वॉज डन थ्रू नरेंद्र मोदी जी. दीपक भाई अलॉन्ग विद वीरेन भाई टूगेदर मिलकर ये शोरूम को चला रहे हैं. ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ सूरत ज्वेलर्स एसोसिएशन एंड प्रेजिडेंट ऑफ वैष्णव समाज. वेलकम दीपक जी, एज यस इट इज प्राइड टू हैव यू विद अस. तो बहुत कुछ और जानने मिलेगा आज की चर्चा में. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू आशीष राठी जी. He is a director of Someshwara Developers. Few of the projects of Someshwara Developers, if I talk about, are Regent Mall, Rathi Palace, Someshwara Square. He is professionally involved and fun-loving person in life. He believes that जब तुम कुछ कमाते हो, you need to work for the welfare of the society, for the people. Therefore, he is a trustee of Blind Ashram, trustee of Chairo Manav Trust, and trustee of Maheshwari Vidyapeeth School. Welcome, welcome Ashish ji. Last but not the least, I would like to introduce Baltishan Agarwal ji. He is a representative of FFIP, Forum for Indian Professionals. He has been Surat branch chairman in 2015. Presently, agar aaj hum unki baat kare, he is a regional council member representing Western India. Welcome all the speakers along with Balkishan Agarwal ji, who has initiated this wonderful idea to proceed ahead and bring new ideas to these live sessions. So welcome all the speakers. Balkishan ji, over to you. Yeah, thank you very much Harsha, and it is great time ki hamare paas Surat jo hai diamond city, textile city aur real estate ke liye jana jati hai, aur aaj tino field ke expert jo hai wo hamare saath hai. और हम कोई ऐसी नहीं है बहुत बड़ी बड़ी बातें या बहुत गाइडेंस मिलने वाला है. ये तीनों जो पायोनियर्स हैं, ये इतने सालों का जो अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हमसे शेयर करेंगे, और उनके एक्सपीरियंस से जो बाकी बिजनेसमैन को जो बेनिफिट्स हो सकता है वो हम टेक अवे लेंगे. सो थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पीकर्स एंड हर्षा. या हैंड ओवर टू हर्षा. ऑलराइट, तो चलिए लेट्स बिगिन विद आवर कन्वर्सेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन टू टॉक विद बिजनेस पायनियर्स. तो शुरू करते हैं हमारी चर्चा, शुरू करते हैं आशीष जी से. तो आशीष जी, इफ आई आस्क यू अबाउट कंज्यूमर मार्केट, तो कंज्यूमर मार्केट में आज सबसे महंगा कुछ है तो वो है प्रॉपर्टीज, राइट? तो राइट आज की डेट में लोगों के पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, परचेजिंग पावर काफी डाउन हो चुका है लुकिंग अप टू द करंट सिचुएशन. तो हम जानना चाहते हैं कि बिल्डर लॉबी का क्या सिचुएशन है, व्हाट फेज दे आर गोइंग थ्रू. आई थिंक यस 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 हर्षा, सो अगर हम बात करें ये कोविड के बाद की, या कोई भी इंडस्ट्री की बात करें, एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज. एंड पर्टिकुलरली अगर हम रियल एस्टेट की बात करें,
तो आई विल नॉट टर्म इट एज अ टफ फेज, बट वी आर राइट नाउ गोइंग थ्रू अ फिल्ट्रेशन एंड अ स्टेबिलिटी फेज. क्योंकि रियल एस्टेट का अगर हम लास्ट 4 years का देखें, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, आफ्टर GST एंड कोविड वॉज लाइक अ नेल ऑन द कॉफिन. So this has now been turned into a very filtration and a stability phase. And Surat, जो कि पहले एक investor driven market रहा करता था और बहुत एक speculative market रहा करता था, but right now Surat has been turned into a user market. ये और जब भी हम real estate में देखते हैं कि users market में आते हैं तो वो एक बहुत ही stability लाते हैं market में, कि एक जो speculation होता है वो कम हो जाता है. And we have always seen Surat has bounced back very nicely. के चाहे हम प्लेग की बात करें, फ्लड्स की बात करें, या 2009 के रिसेशन की बात करें, तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट के Surat has bounced back very good. And right now, real estate is going through a very stable phase, जहां पे सप्लाई कम हो रही है and users की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है. तो आई एम वेरी हैप्पी के रियल एस्टेट इज गोइंग थ्रू अ टफ, नॉट अ वेरी टफ फेज, बट इट इज गोइंग थ्रू अ वेरी स्टेबल फेज राइट नाउ. राइट. सो आशीष जी ने बहुत अच्छे से बताया कि इसको हम टफ फेज नहीं बोलेंगे, लेकिन फिल्ट्रेशन एंड स्टेबिलिटी फेज बोलेंगे, जहां पर चीज स्टेबल होके बाउंस बैक करने वाली है, जैसे उन्होंने बताया. एड ऑन उन्होंने ये भी ऐड किया, इट इज मोर ऑफ यूजर मार्केट नाउ. तो ये यूजर मार्केट को समझते हुए दीपक जी, आपसे पूछा जाता है इस चीज के बारे में कि जैसे आशीष जी ने बताया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टर मार्केट से नाउ बीइंग स्टेबिलिटी एंड फिल्ट्रेशन फेज वो मोर ऑफ यूजर मार्केट बन चुका है. बट अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं तो ज्वेलरी का प्राइस से स्पेसिफिकली अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो डे बाय डे वो बढ़ा ही है. कोविड में तो अच्छा खासा बढ़ा ही है, बट अगर मैं याद करूँ 1980s में तो 2000 से लेकर प्राइस था, आज कुछ 53,000-58,000 उसका प्राइस हो चुका है. तो ये राइज इन गोल्ड का क्या रीजन है? इज इट मतलब यूजर मार्केट, जैसे बिल्डर ने दिखाया कि काफी यूजर मार्केट है, मुझे नहीं दिख रहा अभी कोविड में यूजर मार्केट फ्लरिश कर रहा है. तो दीपक जी आपका क्या कहना है इस बारे में? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. हर्षा जी आपने बताया गोल्ड मार्केट ऐसा मार्केट है वो हर टाइम यूजर मार्केट रहता है. गोल्ड जो है वो अपने खास करके अपने इंडिया की मार्केट से और बाहर की मार्केट से जो जुड़ा हुआ है वो कोई ना कोई प्रसंग के हिसाब से गोल्ड का यूज होना ही होना है, तो वो एक यूजर मार्केट भी बोल सकते हैं. पर यहाँ पे अभी हम देखते हैं तो बिफोर 1 year गोल्ड का रेट अगर हम देखते हैं तो 3,500-3,700 था. उसके बाद में जब कोविड स्टार्ट हुआ तब 42,000 रुपीज था, और जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो 48,000 हुआ, और आज 54,000 पे है. तो ये जो सभी जो पूरा बात है वो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई के रूल के हिसाब से ही गोल्ड आगे बढ़ता रहता है. जब इंडिया में आज डिमांड नहीं है, पर आउट ऑफ वर्ल्ड में, मतलब आउट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे लोगों को गोल्ड में बिलीव कम था, वो आज गोल्ड की खरीद कर रहे हैं. जैसे अमेरिका के पास में 8,800 टन गोल्ड है, वो सुपर पावर है. तो जो कंट्रीज को आगे सुपर पावर बनना है, आज हम चाइना की बात करते हैं, वो हर एक टाइम में हर एक चीज में आगे बढ़ रहा है, तो वो भी गोल्ड की खरीदी में आज आगे बढ़ रहा है. तो जब कोई कंट्री बाहर निकलती है खरीद करने के लिए तो ऑटोमेटिकली गोल्ड के रेट बढ़ते हैं. तो हम लोग ने देखा कि अगर डिमांड नहीं थी तो ये गोल्ड के रेट कैसे बढ़े. कोई ना कोई खरीद कर रहा था, तो जैसे चाइना की खरीदी है और बाकी जो कंट्रीज है, जैसे तुर्की ने खुद एक मैन्युफैक्चरिंग है जो ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करता है, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से गोल्ड की खरीदी की आगे का फ्यूचर के लिए. इटाली, तुर्की, चाइना, वो सभी जो कंट्रीज के हिसाब से देखते हैं तो वो सभी कारण के हिसाब से गोल्ड के रेट अभी बढ़े थे. और एक यूजर मार्केट का आपको मैं बताऊं कि जैसे आज कोविड के बाद में, जैसे अभी जो लॉकडाउन के बाद में जो बात आई, तो अभी जहां जहां पे शादी है, दिवाली के बाद में शादी है या दिवाली के आसपास में जहां पे शादी है, उनको तो खरीद करना ही पड़ेगा, और वो लोग खरीद कर रहे हैं. अच्छा, उनकी जो खरीदी है वो इनमें सपोर्ट कर रही है अपने को, कि साथ साथ में गोल्ड के रेट बढ़ने में भी एक बात आ रही है. करेक्ट. तो जैसे आप बता रहे हो कि दिवाली के बाद जो शादियां हैं उसमें खरीदी हो रही है, तो धीरे धीरे ये जो कंट्रीज एम्पावरिंग गोल्ड रिजर्व है, जो इन्वेस्टर्स है, वो तो कर ही रहे हैं. बट आपका विजन ऐसा है कि दिवाली के बाद गोल्ड में, गोल्ड का यूजर मार्केट भी डेवलप हो जाएगा, राइट? Exactly.
जो आपकी आवाज चली गई थी अभी मेरे में, पर जो यूजर मार्केट के हिसाब से गोल का जो रेट का जो बात है वो यूजर मार्केट के हिसाब से ही चलता है। लोकल डिमांड भी अभी वैसे नहीं है, पर जो रूटीन डिमांड होनी चाहिए वो डिमांड निकल पड़ी हुई, तो उनके हिसाब से भी गोल के रेट को सपोर्ट हो रहा है। और गोल का रेट जो इतना आगे बढ़ चुका है तो थोड़ा सा मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है अर्षा जी, कोई भी कारण के हिसाब से बाकी स्पीकर यस अर्षा आपका आवाज प्रॉपर आ रहा है। तो दीपक जी आपसे एक सजेशन है, आप अपने वो स्पीकर वाले आइकन को एक बार वापस से क्लिक कर लीजिए, जो आपका स्पीकर वाला आइकन है उस पर एक बार वापस क्लिक कर लीजिए, क्योंकि कई बार बीच में जब फोन आ जाता है तो स्पीकर तो थोड़ा वॉल्यूम में सुनने में ऑडिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो दीपक जी हाँ अभी आपको मेरी आवाज आ रही है दीपक जी, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ जी, तो हमने डिस्कस किया कि फिलहाल इन्वेस्टर मार्केट यहाँ पे चल रहा है ज्वेलरी में, और बिल्डर्स में चल रहा है यूजर मार्केट, एंड ऑफ कोर्स एक स्टेबिलिटी और फिल्ट्रेशन का फेज, जैसे कि आशीष जी ने कंबाइंड विद दीपक जी ने बताया, इस तरीके से ये ग्रो हो रहा है। तो अगर हमने बिल्डर की बात कर ली अबाउट यूजर मार्केट, हमने दीपक जी की बात सुनी अबाउट इन्वेस्टर मार्केट, एंड ऑफकोर्स धीरे धीरे जैसे वो बता रहे हैं यूजर मार्केट पे भी शिफ्ट होगा। तो सुरेश जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो सबसे सेफ है, हर तरीके से आप सेफ है इन टर्म्स ऑफ मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप में हॉजरी क्लॉथिंग जो प्रोडक्ट्स है वो तो डेली यूज का है, ज्वेलरी तो कभी लोग खरीदेंगे, बिल्डिंग्स तो प्रॉपर्टीज तो कभी वो इन्वेस्ट करेंगे, बट आप तो हर तरीके से सेफ चल रहे हैं। तो ये मेरा परसेप्शन है एंड शायद हमारे व्यूअर्स का भी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हमारा परसेप्शन सही है, या फिर आप भी एक टफ फेज या कोई चैलेंजिंग फेज को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए अर्षा जी, एवरीवन इज फेसिंग चैलेंजेस, राइट, कोई इंडस्ट्री में कम है किसी में ज्यादा। हाँ अगर हुजरी सेक्टर का देखे तो हुजरी सेक्टर वाज द वन व्हिच स्टार्टेड द ट्रेडिंग फर्स्ट इन द आफ्टर लॉकडाउन, सो ऑल द ट्रेडर्स इन टेक्सटाइल दे स्टार्टेड देयर बिजनेस विद हुजरी, सो हुजरी वाज अ लकी सेक्टर, यस, लेसर चैलेंजेस। तो चैलेंजेस उन्हें भी है, बट जैसे उन्होंने क्लियरली बताया कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, एंड बीइंग द इनिशियल मार्केट उसके इट इज लाइक अ नेसेसिटी, सो राइट राइट इट इज लाइक अ नेसेसिटी, ऑटोमेटिकली उसका मार्केट चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद द चैलेंजेस जो सुरेश जी ने काफी अच्छे से क्रॉस किए। Challenges are the like frequent lockdown in few states. वो एक challenge हो जाता, like there was lockdown in Tamil Nadu, in Bihar, in Odisha. Right. Extended lockdown जो था वो that was a challenge. Right. सुरेश जी आप mute हो गए हैं। Right. The host is not allowing participants to unmute themselves. I made you co-host, so आप अपने आप ही ये कर। हाँ, now it's okay. हाँ जी, ठीक है सुरेश जी। तो हाँ सुरेश जी, आप बता रहे थे कुछ cities के बारे में, तो आप please वापस से उस चीज को दोहराएं। कुछ states के बारे में जहाँ वापस से लॉकडाउन बार बार हुआ है, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, तो वो एक चैलेंजेस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आता रहता है, बट मोस्ट ऑफ द इंडिया बीइंग ओपन नाउ द चैलेंजेस आर फ्यूअर। राइट राइट सुरेश जी, ठीक है, आगे बढ़ते हुए
दीपक जी एक बीच में चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम गोल्ड प्राइस कहाँ तक जा सकता है? देखिए अभी जो दिवाली तक की जो एक्सपेक्टेशन है वो 60,000 तक का है, पर जैसे दिव्या पेपर और बाकी सभी पेपर और बाहर का जो फॉरेन मार्केट है जो काफी टाइम से गोल्ड रेट को डॉलर के टर्म्स में गोल्ड रेट नहीं बढ़ा था, तो आज अप्रोक्सीमेट 1900 और 2000 के बीच में चल रहा है। हम लोग उसको रख रहे हैं कि 3000 तक और 3600 तक गोल्ड रेट जाने की संभावना वेरी सून में है, तो वो करेगा ही, और उसके हिसाब से आप देखें तो अभी गोल्ड रेट बढ़ने की ही आशंका है, कम होने का जगह नहीं है। राइट, तो आई होप आपका जो कंसर्न था वो सॉर्ट हो चुका है जिन्होंने क्वेरी पूछा था। अब आगे बढ़ते हुए ये जैसे आपने गोल्ड की बात बताई दीपक जी, तो पूछना चाहेंगे कि डायमंड में क्या सिचुएशन है, क्योंकि डायमंड एक प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट है, अगेन आज की सिचुएशन में देखें तो आई थिंक उसका मार्केट को अभी ग्रो होने में टाइम लगेगा, तो क्या ये परसेप्शन कि डायमंड अभी स्टैगनेंट है और ग्रोथ में उसको टाइम लगेगा, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए अर्षा जी, डायमंड लग्जरियस प्रोडक्ट में आता है, आगे देखा जाए तो डायमंड जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे कोई एक पहले कोई छोटी मारुति कार लेता है, उसके बाद में कोई टोयोटा कार लेगा, उसके बाद में कोई मर्सिडीज घुमाएगा, वैसे डायमंड की डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है। लोगों को जिसको भी ये एक इन्वेस्टमेंट भी आगे जाके सोच में आएगा, और लोगों में इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से डायमंड को, ज्वेलरी की दृष्टि से, हाई एंड प्रोडक्ट के दृष्टि से डायमंड चलता रहता है। और अभी का जो बात है उसमें आज भी थोड़ा सा एक माइंड लोगों के माइंड में सेट है कि डायमंड की डिमांड नहीं, पर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे आज एंगेजमेंट है तो जितने में गोल्ड की रिंग आती है उतने में डायमंड की रिंग आ जाती है, तो आज लोगों का जो ट्रेंड है वो पूरा चेंज हो गया है, लोग डायमंड की रिंग ज्यादा प्रीफर करते हैं। आउट ऑफ इंडिया में तो प्रपोज करने के टाइम में ही सोलिटेयर डायमंड यूज किया जाता है, तो ये सभी तो बात चलती ही रहेगी, तो वहां पे कहीं पे स्टॉप होने वाला नहीं है, तो डायमंड की डिमांड एज यूजुअल चलने वाली है। अभी थोड़ा कोविड के हिसाब से, बाकी सभी के हिसाब से थोड़ा बहुत लग रहा है, पर हम लोग का जो सेलिंग के फिगर्स बता रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि डायमंड और गोल्ड, उसमें खास करके डायमंड की जितने भी छोटी आइटम्स है वो तो एज रूटीन में चल ही रही है। अच्छा। और आपने अभी जो देखा होगा तो 600 करोड़ का यहाँ से पार्सल गया, स्पेशली प्लेन करके यहाँ से पार्सल भेजा गया था, तो ये जो यहाँ का जो एक्सपोर्ट है वो भी चालू हो गया है, आउट ऑफ कंट्री में भी सभी जगह पे डायमंड की डिमांड अच्छी चल रही है, तो आगे जाके डायमंड का तो फ्यूचर गोल्ड से भी ज्यादा हम लोग ब्राइट रख रहे हैं कि गोल्ड से भी ज्यादा डायमंड में अच्छा रहेगा। एक वो बात है कि उसमें रिवॉर्ड थोड़ा कम मिलता है, पर जैसे कोई भी चीज हम लेते हैं तो हम सोच के लेते हैं कि भाई डायमंड की चीज ली हुई है, कोई बड़ी कार ली हुई है या कोई बड़ा फोन लिया हुआ है, तो उनका रिटर्न वैल्यू कम आने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे तो अच्छा वैल्यू भी मिल रहा है और रिटर्न वैल्यू भी मिल रहा है, तो आगे जाके डायमंड की डिमांड तो सही ही रहेगी। सूरत की बात करें तो सूरत में तो आउट ऑफ 10 डायमंड 7 डायमंड कट एंड पॉलिश इन सूरत होता है यहाँ पे फ्यूचर में डायमंड बुर्स बन रहा है, तो इंडियन मार्केट में और वर्ल्ड मार्केट में सूरत एक अट्रैक्शन के पॉइंट पे आ जाएगा। हम लोग आज सूरत की बात करेंगे कि कोविड के बाद में हम लोग की यहाँ की मार्केट पोजिशन क्या रहेगी, तो बाहर से लोग सूरत में आने लगेंगे, जो डायमंड बुर्स बॉम्बे में है वो भी शिफ्टिंग होके सूरत धीरे धीरे कर रहे हैं, सभी लोग ने यहाँ पे ऑफिसेस ली हुई है, तो सही है, आगे जाके डायमंड की मार्केट सही रहेगी। आज के दिन में थोड़ा बहुत ऐसा लगता होगा कि लोग डायमंड के बारे में कम सोचते हैं, तो वो बात सही है, पर आगे जाके बहुत सही है। राइट, तो जिस तरीके से दीपक जी ने बताया कि एक अभी रुकाव जरूर आया है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, पर जैसे हर एक जन एक नेक्स्ट स्टेप प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट पसंद करता है, मर्सिडीज में तो फिर भी रिवॉर्ड कम आएगा, डायमंड्स में आपको कंपैरेटिवली रिवॉर्ड काफी ज्यादा मिलेगा, और इसके साथ साथ हाईलाइट किया ये बुर्ज का जो डायमंड बुर्ज आ रहा है, तो उसके रिलेटेड उन्होंने बताया कि इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं, रादर ज्यादा होने वाला है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आशीष जी, ये जो डायमंड बुर्ज आ रहा है सूरत में, आपको क्या लगता है रियल एस्टेट इसकी वजह से किस तरीके से फ्लरिश कर सकता है? क्योंकि थोड़ा बहुत परसेप्शन समझ में आता है कि बहुत सारे मुंबई से लोग सूरत शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
Ashish, you need to unmute yourself. Yes, I am audible now. Yes, you are audible. ओके सो डायमंड बोर्ड्स जैसे कि सूरत जो आ रहा है इट विल बी लाइक अ आइसिंग ऑन द केक. जैसे कि सूरत का अगर मैं बोलूं आपके वो कि सूरत इज नॉट अ सिटी. मैं हमेशा सूरत को एक रिसोर्ट बोलता हूं क्योंकि अगर आप देखें 50 लाख प्लस की पॉपुलेशन में 20 मिनट्स के अंदर सूरत में हॉस्पिटल एंटरटेनमेंट ऑफिसेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब आ जाती है. और जब एक ऐसी सिटी में जहाँ की जीरो क्राइम रेट है वहां पे एक डायमंड बोर्ड्स जैसी इंडस्ट्री और इतना बड़ा एक शिफ्टिंग जो कि बॉम्बे से इधर आएगा तो दैट विल टेक आर सूरत टू अ इंटरनेशनल लेवल जैसा कि दीपक जी ने के अभी कहा. और जब इतना बड़ा डायमंड बोर्ड्स जो खजोद एरिया में आ रहा है तो जो सराउंडिंग एरियाज हैं चाहे अल्थान है वेसू है हमारा भीमराड है जितने भी ये सराउंडिंग एरियाज हैं वहां पे रेसिडेंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कंजम्पशन आ जाएगा. क्योंकि आप जब देखेंगे बॉम्बे से जब इतनी ऑफिसेज यहाँ पे शिफ्ट होगी बॉम्बे से जब इतने सारे बिजनेसमैन और उनके वर्कर्स यहाँ शिफ्ट होंगे सो अल्टीमेटली जो एक सराउंडिंग एरिया है तो उसके लिए एक रेसिडेंस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी. साथ में अगर आप देखें कि वराछा से जो एक SMC का मेट्रो का प्रोजेक्ट है जो कि खजोद तक आएगा तो 20 मिनट्स में हम वराछा से हम खजोद आ जाएंगे तो वराछा में भी रेसिडेंस. तो ओवरऑल ये डायमंड बोर्ड से एक आने से इट विल बी लाइक अ सोने पे सुहागा फॉर आर सूरत. तो इट्स अ बिग बून टू आर रियल एस्टेट एंड सूरत विल नेवर लुक बैक फ्रॉम देन. राइट सो वेरी वेल सेड बाय आशीष जी. ये सोने पे सुहागा वाली चीज है तो आई सपोज दूर से दिखता है कि अभी ज्वेलरी मार्केट या टेक्सटाइल मार्केट या रियल एस्टेट हर तरीके से अभी क्या हालत होगी बट बात करके धीरे धीरे परसेप्शन इतना पॉजिटिव और बेटर हो रहा है कि बात करते हुए पता चल रहा है डाउन नहीं वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को रेस कर रहा है. तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा सोचने का जरिया कि भाई डाउन नहीं है जरा आंखें खोल के देखो तो आइसिंग ऑन द केक है. और ये सिटी नहीं है ये एक रिजॉर्ट है जहां पर वराछा बोल दो या वेसू बोल दो या अल्थान बोल दो चीजें ग्रेजुअली ग्रो होने वाली है. अब सुरेश जी डायमंड मार्केट की बात करिए या रियल एस्टेट की बात करिए तो रियल एस्टेट तो एकदम हाई टिकट है. ज्वेलरी मार्केट इज मीडियम टिकट range and clothing की बात करें तो it is a normal ticket range and everyone has to buy. तो अगर अब मैं ये clothing की बात करूँ तो उसकी demand बढ़ने ही वाली है, necessity है, time to time बढ़ेगा ही, peak पे ही पहुँचेगा. तो हमारे सूरत में एक textile industry को क्या preparations करने चाहिए या फिर कौन से challenges expect करके उसके provisions बना लेने चाहिए so that टेक्सटाइल मार्केट को उसकी पीक पे पहुंचने पहुंचने पे कोई ना रोक सके रादर कुछ एक बेटर लेवल पे पहुंच जाए. देखिए अर्षा जी टेक्सटाइल मार्केट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर खास करके यहाँ पे और इवन ट्रेडर्स वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहे. ऑल्दो वी आर नॉट एट इंटरनेशनल लेवल सो द मेन थिंग वी हैव टू डू इज टू अपग्रेड आवर सेल्फ अपग्रेड आवर प्रोडक्ट अपग्रेड आवर फैसिलिटीज प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वो अपग्रेडेशन धीरे धीरे हो रहा है बट जिस लेवल पे हमको पहुंचना चाहिए वहां से हम अभी बहुत दूर है. तो सी फ्यूचर इज क्वालिटी एंड वी हैव टू कम्पीट विथ लाइक कंट्री लाइक चाइना. सो चाइना में सस्ता माल भी बहुत आता है और वहां से हाई क्वालिटी एंड्स भी बहुत आते हैं वहां से. तो सूरत इज इन अ लेवल वेयर वी आर जस्ट केटरिंग टू अ लो मींस टू लोअर मिडिल क्लास एंड समथिंग लाइक दैट मोस्टली पॉलिस्टर. रिसेंटली वी हैव एंटर्ड इनटू कॉटन आल्सो लॉट ऑफ यूनिट हैव एंटर्ड इनटू कॉटन लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट इन सो वी हैव टू अपडेट अवर सेल्फ व्हिच वी आर आई थिंक लैकिंग बिहाइंड. राइट तो सुरेश जी ने बताया कि
जहां पहुंचना चाहिए, माना जाता है सूरत मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बट जहां पहुंचना चाहिए अभी भी बहुत दूर है. तो सर्टेन पॉइंट्स जो हाईलाइट किए गए हैं, इट इज अबाउट अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन सबको अपडेट करते रहे. और बहुत अच्छी चीज मेरे ख्याल से आज इंडियंस के लिए सुरेश जी ने बताई कि अगर चाइना को देखें, आज इंडिया हर तरीके से सुपरसीड करना चाहता है अपने प्रोडक्शन में बोल दो, कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इकोनॉमी बोल दो. तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ मानते हैं कि वी कैन सुपरसीड चाइना बिकॉज वी आर इक्विप्ड विद दैट क्वालिटी, तो व्हाई नॉट कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, व्हाई नॉट कीप बिल्डिंग द फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, जैसे कि सुरेश जी ने अभी बताया. सुरेश जी, इसके साथ अगर मैं एड ऑन पूछूं, तो वन ऑफ द चैलेंज जो अभी फेस कर रही है टेक्सटाइल मार्केट इज अबाउट द लेबर्स. बहुत लेबर्स माइग्रेट हो गए हैं और वापस आने का मेरे ख्याल से अभी तक तो कुछ जरिया खुला नहीं है. तो आपका क्या कहना है? चैलेंज जो जैसे आपने पहले फेज में मेरे को पूछा था कि चैलेंजेस फेस किए होंगे आप लोगों ने, सो मैंने फिर जैसे बालकिशन जी ने मेरे को बोला ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आज थोड़ी देर 3-4 टेक्सटाइल वालों से बात की मैंने. तो उन सब के लिए चैलेंजेस वाज नॉट द डिमांड, द चैलेंजेस वाज टू गेट द फैक्ट्री स्टार्टेड, टू गेट द लेबर इन, लेबर नहीं. सो हम लोग जो सोच रहे थे लॉकडाउन के टाइम में कि डिमांड हमको नहीं, डिमांड नहीं मिलेगी, बट डिमांड है. डिमांड क्योंकि डिमांड भी इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन कम है. जितना प्रोडक्शन है उसके सामने डिमांड ज्यादा है. तो द बिगेस्ट चैलेंज इज टू गेट द डिमांड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड. लेबर्स नहीं है, लेबर्स जो आना चाहते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं. तो फिर प्राइवेट ये बस है या गाड़ी है वो करके बुला रहे हैं, बट अभी भी बहुत शॉर्टेजेस है. राइट. तो जैसे बताया कि इट इज नॉट अबाउट चैलेंज, मतलब देखा जाए तो नजरिया ग्रेजुअली बदलता ही जा रहा है. डिमांड कम नहीं है, डिमांड ज्यादा है. जस्ट दैट उसको मीट करने के लिए आई थिंक लेबर का जल्दी वापस लौटना बहुत इम्पोर्टेंट है टू लीड एंड फुलफिल ये हमारी करंट डिमांड को. यस सुरेश जी, थैंक यू सो मच. अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि सुरेश जी के वैसे भी सोशली भी वैसे भी अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं. तो जब लेबर को जाना था तो हमारे जो सूरत एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, उन्होंने उनको अपने गांव भेजने, अपने देश भेजने के लिए बहुत से एफर्ट्स किए, बहुत सी ट्रेनें चली और बहुत टाइमली एक ट्रेन से स्टार्ट हो गए 20-30-40 ट्रेनें भी चली और टाइमली उनको अपने यूपी बिहार उड़ीसा जहां से भी बिलोंग करते थे उनको घर पहुंचाया गया. और आज जब उनकी जरूरत है सूरत इंडस्ट्रीज को, जैसा सर ने बताया कि आज डिमांड है लेकिन लेबर नहीं है, तो हमें इस तरह से एफर्ट्स करना चाहिए कि जो आना चाहते हो उनके लिए गवर्नमेंट से बात करके या एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, तो उनको यहाँ आने के लिए भी ट्रेनें चलनी चाहिए या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए. तो आई थिंक उसके लिए भी अगर एफर्ट्स हो तो सूरत की इंडस्ट्रीज को एक बूम मिलेगा और जो डिमांड क्रिएट हुई है उसको सर्व कर पाएंगे. तो इसके लिए भी एफर्ट्स हो तो आई थिंक इट विल होना चाहिए. मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बोल के हम गवर्नमेंट के पास ये बात पहुंचा सकते हैं कि भाई ये आज के दिन वापसी के लिए ट्रेन चलानी भी बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. यस आशा. राइट राइट. तो आगे बढ़ेंगे. दीपक जी, आपने आपकी इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि 2011 में जब आपने अपना शोरूम इनॉग्रेट किया था तो उस टाइम पर मोदी जी से इनॉग्रेशन कराया था. तो एज ए लेमैन हम लोग जानना चाहेंगे what base was there, what criterias were there, या आपके invitation में ऐसा उन्हें क्या fruitful attract किया कि वो आपका invitation accept करके आपके inauguration, आपके showroom के inauguration पर आए. तो yes दीपक जी. अच्छा जी, मोदी साहब की एक खासियत है कि जब भी कोई विकास की बात आती है, कोई development की बात आती है, तो वो तुरंत उसके अंदर देखते हैं और आगे उसका सोच बताते हैं.
तो जैसे उस टाइम पे सूरत को एक डायमंड सिटी तो था ही, पर उसके साथ में ज्वेलरी हब बनाना था, जैसे आज डायमंड बुर्स यहाँ पे आ गया हुआ है। तो जब 2011 में हमने बताया था सर को कि सर कोई भी फॉरेन कंट्री में हम जाते हैं तो हमें एक टूर दिए जाती है, जिसमें कोई जगह पे कोई हमें ज्वेलरी फैक्ट्री में ले जाता है, कोई हमें काजू की फैक्ट्री में ले जाता है, तो हम क्यों सूरत को भी ऐसा बनावे कि यहाँ पे कोई अच्छे अच्छे शोरूम आ जावे, अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज आ जावे, कि जब बाहर की फॉरेन से कोई भी आया हुआ है उनको एक सिटी टूर करना है तो उनमें भी एक ये जोड़ा जाए। तो ये बात थी। उसके बाद में मेरा जो शोरूम था वो 15,000 स्क्वायर फीट का था, सबसे बड़ा शोरूम बन रहा था, और कहीं पे भी विकास की बात आती या कोई भी कोई डेवलपमेंट की बात आती है तो मोदी साहब तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि आज सूरत को जब ज्वेलरी हब बनाना है तो कहीं ना कहीं इसको एक मुल्क में लेके आना पड़ेगा। तो उस टाइम पे उसी दिन पूरा इंडिया के जितने भी ज्वेलर्स है, जैसे जेमिन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनकी खुद की एक अवार्ड सेरेमनी भी यहाँ पे सूरत में थी, तो वो भी उन्होंने इनोग्रेट किया था, मेरा शोरूम भी इनोग्रेट किया था। तो कुछ अलग बात थी, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे आते हैं और उन्होंने शोरूम की ओपनिंग की थी। राइट। तो मेरे ख्याल से इसके बाद काफी शोरूम्स भी यहाँ पर खुले थे। हाँ, वो भी मैं थोड़ा बताना भूल गया कि जैसे भी उन्होंने ओपनिंग किया उनके बाद में 4-5 मल्टीनेशनल कंपनीज जो आउट ऑफ सूरत की थी पूरे इंडिया में फेमस, वो लोग सभी ने यहाँ पे सूरत में आके शोरूम ओपन किया। ये आफ्टर मेरे ओपनिंग के बाद में, मतलब उनका जो ड्रीम था कि भाई सूरत को एक लाइमलाइट करना है, तो वो हिसाब से बाकी के शोरूम्स भी इधर आए। उसके बाद में जब ये डायमंड बुर्स आ गया, तो डायमंड बुर्स की तो खासियत बहुत बड़ी है कि वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बन रहा है अभी। साथ साथ में सूरत डायमंड सिटी है, तो 10 डायमंड में से 7 डायमंड जब सूरत में बन रहे थे तो सूरत बाहर नहीं आ रहा था, उनको गुजरात में जो अपने वैल्यू एडिशन बोलते हैं, वो वैल्यू एडिशन के लिए ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी दिखाना था कि सूरत के बाद में लोगों के एक आइकॉन बन जावे कि भाई सूरत में इतनी इतनी एक्टिविटीज होती है, उसको आप डायमंड ज्वेलरी में डाल के आप उसको आगे बढ़ाइए तो डायमंड की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगी। बाहर के फॉरेन कंट्रीज के जो फिगर्स है वो काफी बड़े हैं, जैसे इटली का है, यूएसए का है, तो इंडिया से भी उतने प्रमाण में एक्सपोर्ट हुए और वो वैल्यू एडिशन के साथ में हो जाए। तो ये सभी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि आज सूरत को डायमंड और ज्वेलरी हब के हिसाब से आगे बढ़ाना है। तो उनमें एक प्रयास ये भी था कि एक ज्वेलरी शोरूम का ओपनिंग होता है तो लोगों को ध्यान पड़ेगा कि यहाँ पे ज्वेलरी को वैल्यू एडिशन में एड करके डायमंड को आगे बढ़ाया जाता है, तो एक्सपोर्ट भी होता था। ये सभी को देखते हुए उन्होंने ये ओपनिंग किया था। राइट। तो अब कोई टूर पे आएगा, कोई ट्रैवलर यहाँ पर आएगा, टूरिस्ट आएगा, तो वो सूरत डायमंड सिटी टूर पे जरूर जाना चाहेगा। एंड आई एम श्योर कि धीरे धीरे और डेवलप काफी हो चुका है एंड आप काफी और कुछ होने जैसे अभी जो सूरत की सिटी टूर का भी आयोजन होगा आगे जाके, तो उसमें भी एक ये ऐड होगा ही, कोई भी ज्वेलरी शोरूम है, ज्वेलरी जहाँ पे डायमंड फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है, तो हम जैसे बाहर जाते हैं सिंगापुर जाते हैं तो हमें वो स्टाइल की वहाँ की जो होता है, जैसे हम स्विट्जरलैंड जाएंगे तो वहाँ पे हमें वॉचिस की फैक्ट्री में ले जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक आगे जाके एक ऐसा होगा कि जब सूरत की एक सिटी टूर होगी तो उसमें ज्वेलरी के रिलेटेड, डायमंड फिर टेक्सटाइल के रिलेटेड, वो सभी जगह पे एक टूर में उसका एक डेस्टिनेशन रखा जाएगा, वहाँ पे भी एक स्टॉपेज होगा। तो जरूरी भी है, फ्यूचर के लिए भी जरूरी है और लोगों को ध्यान रखने के लिए भी जरूरी है। राइट, बिल्कुल सही। आशीष जी, आपसे ये पूछना है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग एरिया क्या है? जैसे कि आपने बताया कि लोग आने वाले हैं वराछा, तो आज अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं कौन सा एरिया पकड़ के इन्वेस्ट करूँ विद द श्योर शॉर्ट प्रॉमिस कि भाई यहाँ पे तो उसका जो फर्दर रिवॉर्ड है काफी ऊपर जाएगा, तो कौन से एरियाज है एज यू जस्ट मेंशनड, आप उस पे थोड़ा और हाईलाइट करेंगे? राइट हर्षा, अगर हम सूरत की ज्योग्राफी देखें तो सूरत एक हमेशा हर चीजों में, हर एरिया में अपने हिसाब से आगे बढ़ता ही गया है। एंड जो आपने एक वर्ड बोला श्योर शॉट, तो मैं हमेशा एक रियल एस्टेट को ऑब्वियसली ऑल दी, जैसे बोलते हैं चाहे शेयर मार्केट हो, गोल्ड हो, सभी चीजें अच्छी है, बट रियल एस्टेट का जो एक वर्ड होता है रियल, इट्स लाइक अ श्योर शॉट, बट एवरीथिंग इन अ लॉन्ग टर्म इज वेरी गुड। जैसे अगर हम अपने पुराने ग्रैंडफादर से देखते हुए आए कि शहर हमारा भागल से चौक आया, चौक से अठवा गेट आया, फिर हम लोग घोड़दो रोड आए, फिर टिपलोद आया, फिर वेसू आया,
तो शहर तो अपने तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। आज अगर हम पाल अड़ाजन देखें, अगर हम वेसु देखें या डुमस देखें, तो हर तरीके से अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है और रियल एस्टेट में अगर आप आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। एंड राइट नाउ सूरत का जो प्राइस है ये एक बॉटम प्राइस में अभी चल रहा है, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अगर रियल एस्टेट में आ रही है और कोई भी अगर आप एरिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से पकड़ें तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। पर्टिकुलरली आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डुमस एरिया, जो हमारे VIP रोड से आगे का जो डुमस बेल्ट है वो एक बहुत ही एक हाई एंड तरीके से डेवलप होता जा रहा है। तो डुमस एरिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, VIP रोड वेसू में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दीज टू एरियाज। लेकिन सूरत में आप कोई भी एरिया पकड़िए और अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन से चलते हैं तो सूरत इज अ वेरी वेरी राइट नाउ इन अ वेरी गुड स्टेज, एंड आई विल से राइट नाउ सूरत इज इन अ बॉटम स्टेज, यहाँ से इट्स गोइंग टू बी अपवर्ड्स। राइट। सो बहुत सारी एरियाज उन्होंने बताया इन सूरत, इफ यू आर लॉन्ग टर्म, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म विजनर तो बस इन्वेस्ट कर दो, एंड ऑफ कोर्स रियल, द वर्ड रियल इटसेल्फ ही शॉर्ट शॉर्ट है, बट एट द सेम टाइम प्रोमिनेंट एरियाज जो आशीष आपने रिफ्लेक्ट किए इज द डुमस बेल्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑप्टिमिस्टिक व्यू टुवर्ड्स दैट एरिया, एंड आई सपोज वेसु यू जस्ट स्पोक, राइट? यस 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 यस, वेसु इज डूइंग वेरी गुड। राइट राइट। आशीष जी, अगर पूछा जाए कि आप वेसु और डुमस बेल्ट जैसे बता रहे हैं, तो आर देयर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स इन दीस एरियाज एज यू आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट? यस, वी आर कमिंग अप विद अ न्यू रेजिडेंशियल अपोजिट सेलेस्टियल ड्रीम VIP रोड पे, एंड इट्स ऑन द BRTS रोड, 2 or 3 BHK का हम लोग एक नया सोमेश्वर रेसिडेंसी ला रहे हैं। बिकॉज अभी जो एक रियल डिमांड है वो एफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत अच्छी डिमांड आ रही है, जो 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK का सेगमेंट है, इट्स अ वेरी डिमांड, उसमें बहुत अच्छी डिमांड है। वी आर कमिंग विद अ न्यू रेसिडेंशियल राइट नाउ इन दैट एरिया। राइट, यस। So I suppose there are many people who are looking for these projects to BHK, 3 BHK, जहाँ पर उन्हें इस तरीके affordable price में वो ये areas में रह सके। सुरेश जी, जो मैं corporate social responsibility की बात करूँ, तो वो कुछ 2014-15 में आया है, जहाँ पर हर businessman को एक सोसाइटी की तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो CSR आने से पहले, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से पहले ही आप ऑलरेडी ये उसके प्रोविजंस को अलाइन कर रहे थे बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनमें आप इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए, कुछ भी बोलिए, आई थिंक एवरी फैमिली इन इंडिया मस्ट बी डूइंग इट, एवरीवन इज डूइंग इट। ये नहीं बोल सकते कि मैं कर रहा हूं पहले से, तो चैरिटी बोल लीजिए या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लीजिए, एवरी आई थिंक मोस्ट ऑफ द फैमिली इन इंडिया इज डूइंग इन वन वे और द अदर, और ये बहुत अच्छी बात, और ये करना भी चाहिए, बिकॉज लाइक व्हेन यू एलिवेट द सोसाइटी, व्हेन यू एलिवेट द पीपल अराउंड यू, देन इज व्हेन द society gets elevated, and when that is when India gets elevated, your country gets elevated. और जैसे बुजुर्गों ने बोला है कि भई ये जरूरी है, करना है, आप उसको पाप पुण्य का दर्जा दे दीजिए, या लाइक मे बी कन्वर्टिंग योर मनी टू योर फॉर योर सेटिस्फेक्शन, फॉर योर हैप्पीनेस। तो इसमें कई एंगल है कि आप जब देते हैं तो किसी का जब अच्छा होता है तो आपको बहुत खुशी भी मिलती है, सो यू आर कन्वर्टिंग योर मनी इनटू हैप्पीनेस, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि वो अपनी खुश रह सके चीजें लेके, बट एज राइटली सेड बाय सुरेश जी दैट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल रिस्पांसिबिलिटी को एक लाइन में उन्होंने पुट किया, कन्वर्टिंग योर मनी इनटू हैप्पीनेस। सो सुरेश जी, इसमें से एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी आपके कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ, जो बनारस घाट है उस जो मोदी जी ने इनिशिएट किया था उस पे आपका काफी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा, तो क्या बहुत ज्यादा मेजर तो नहीं रहा बट ठीक है
हाजी, तो उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे, ये बनारस घाट पे एग्जैक्टली क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, इन द सेंस क्या इम्प्रूवमेंट रहा आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर? तो हम लोग जब पहली बार मोदी जी के कहने पे बनारस गए थे, वहां पे हमने घाट देखा, तो दैट वाज इन शैम्बल्स, मतलब जो हालत थी वहां पे हमने कुत्तों को लाश खाते हुए देखा, डेड बॉडीज को कुत्ते खा रहे थे, अनबर्न पार्शली बर्न, तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी वहां पे। और वो मणिकर्णी का घाट है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस शमशान घाट है वो, right. लोग वहां पे बनारस में मरने के लिए जाते ताकि उनके अंतिम क्रिया क्रम मणिकर्णिका में हो सके। तो हमने क्या किया कि वहां जैसे बहुत सारी तकलीफ थी, तो हमने एक प्लेटफॉर्म, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बना के उसमें 10 वो जो भट्टीज है वो लगवाए, ताकि इवन अगर 30 फीट 40 फीट पानी भी ऊपर आ जाता है तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होता काम। फिर बगल में एक बिरला धर्मशाला थी, वो हमने कॉरपोरेशन से लेके उसको जो बाहर से आते हैं उनके रुकने के लिए, उनके नहाने धोने के लिए या उनके लिए लॉकर्स वहां लगवा दिए ताकि लॉकर्स में सामान रख सके वो, कुछ चाय नाश्ते के भी बंदोबस्त है। फिर पानी के लिए हमने वहां पे आरओ सिस्टम लगा दिया ताकि जो बाहर से आए उनको पानी मिल जाए साफ सुथरा। तो इस तरह के छोटे मोटे काम वहां हुए हैं। तो अभी जैसे बारिश में खास करके क्या होता था कि वहां पे एक या दो डेड बॉडी ही एक साथ में जल सकती थी, और वो घाट ऐसा है जहां पे 100 से लेके 200 बॉडीज डेली आती है। अच्छा। तो वो लाइन लग जाती थी बहुत। तो अब ये प्रॉब्लम खास करके ये एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाने से काफी हद तक सॉल्व हो गई है। राइट। तो ये हमने चर्चा करी वेरियस बिजनेस फील्ड से, टेक्सटाइल से ले ले, रियल एस्टेट से ले ले या ज्वेलरी से ले ले, काफी कुछ हमें इस पे पता चला। दीपक जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने चर्चा करी अबाउट गोल्ड, अबाउट डायमंड, अगर मैं आपको पूछूं कि मैंने कुछ 8-10 साल पहले मेरे को एक अमाउंट मिला था कहीं से और मेरे को पता चला कि प्लैटिनम में उसे डाल दिया जाए वो बहुत ज्यादा राइज करेगा, तो आपसे पूछना चाहेंगे सिल्वर और प्लैटिनम का अभी क्या स्टेटस है? मेरे पास आज भी वो प्लैटिनम पड़ा है, मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मेरे को यहाँ से वो सैलरी मिली थी और मैंने उसका प्लैटिनम खरीदा था। तो दीपक जी, सिल्वर और प्लैटिनम पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, जैसे डायमंड एक लग्जरीज गुड्स है, वैसे प्लैटिनम भी लग्जरीज गुड्स में आता है। आगे देखा जावे तो गोल्ड के रेट से 2.5% ज्यादा रहता है, मतलब 2.5 गुना ज्यादा रहता था प्लैटिनम। अभी जो प्लैटिनम के रेट से वो काफी डाउन है, क्योंकि स्पेकुलेशन, जो कोई भी एक मेटल में आ जाता है तो दूसरा मेटल डाउन होता है। तो मैं तो बताऊंगा कि आगे आपने जो थोड़ा लिया है अभी उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके प्लैटिनम के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्लैटिनम अभी मोर और लेस गोल्ड के साथ में चल रहा है। और प्लैटिनम जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है, जैसे कोई भी डायमंड की रिंग ली तो उसके अंदर प्लेटिनियम में अगर वो डायमंड स्टड किया हुआ है तो कंपेरेटिवली गोल्ड में उसमें कुछ घिसता नहीं है, या मतलब उसका वेट कम नहीं होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबी रहती है। तो प्लेटिनियम आगे जाके बहुत ही सही होने वाला है। आज भी लोग जो डायमंड की ज्वेलरी में गोल्ड और रेगुलर जैसे पहन लिया है, वाइट गोल्ड पहन लिया हुआ है, वो भी प्लेटिनियम ज्वेलरी ही प्रीफर करते हैं। तो प्लेटिनियम में, प्लेटिनियम में इवारा करके जो ब्रांड है और बाकी काफी ब्रांड्स है जो दीपक जी, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करूंगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगे। अभी आप हमको सीधा सीधा बताइए ना, हमको इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, गोल्ड में कि प्लेटिनम में? सही बात है, हमने थोड़ी बहुत तो हिंट इधर से, मैं भी बैठे बैठे वही ले रहा था कि आज जी क्या बोल रहे हैं कि कहाँ पे क्या लेना चाहिए। वैसे आज आपने भी बोल दिया तो मैं आपको बताऊंगा कि सिल्वर अभी काफी बढ़ेगा गोल्ड के कंपेरिजन में, अभी सिल्वर में बढ़ोतरी काफी आएगी। जो हम लोग सोच रहे कि बहुत बढ़ गया, वैसा नहीं है। बिफोर 8 years सिल्वर का ईयर भी नहीं हुआ था, उससे ज्यादा हुआ था, 78,000 तक सिल्वर पहुंच गई थी और आज अप्रोक्सिमेटली 5,000 के आसपास में है। तो सभी का एक फिक्स टारगेट होता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। तो ये एक और भी बात है, मेरे पास मेरे पीछे ही एक चार्ट लगा हुआ है, जो गोल्ड जो है वो मिनिमम मतलब जो बैंक रेट है उनसे डबल तो हर 5 years पे देता ही देता है। तो एक जैसे हम पैटर्न बनाते हैं उसमें गोल्ड, और गोल्ड एकदम केस व्यू में होता है कि जैसे कोई भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आता है तो गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या सेव कर पाएंगे। तो आफ्टर करेंसी
ये सेकंड रिजर्व जो है कि जिसको लेके हम कहीं पे जा सकते हैं या इसका कुछ रीयूज कर सकते हैं। पर ओवरऑल में प्लेटिनियम बहुत ही सही है आज के दिन में खरीद करना, और साथ साथ में प्लेटिनियम का वॉल्यूम कम रहता है, पर जो सिल्वर का वॉल्यूम है वो इजी लिक्विडेट है और सिल्वर लेना बहुत सही है, तो आप उसके लिए भी सोचिए सूरज जी। थैंक यू। तो काफी अच्छे से रियल एस्टेट, ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स के बारे में हमें आज पता चला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यही थ्री फील्ड्स को थोड़ा और पर्सनली जानते हुए हम शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। तो ये रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें आपको शॉर्ट में फटाफट से जितना इंटरेस्टिंग हो सके आंसर देना है, सो दैट ये रैपिड फायर राउंड इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक interesting game ban jaye which will add the spice to the entire session with your presence. So should we begin? Yes. All right. So Ashish ji, let's start with you. Are you ready? All right. So Ashish ji, please unmute yourself. Yeah. All right. So okay. Ashish ji, Surat has got permission for 60 to 70 floor building. Right. Do we see Someshwara Builder coming up with such projects? Yes, very soon. Very soon. All right. Nahi to main khali Bombay mein dekhti hu yaar, ye kitni unchi building hai. I wish that I see that in Surat soon. Nahi. Yes, you will be seeing soon in Surat all the skyscrapers. बॉम्बे का बोल रहे थे, बट आज के दिन टॉलेस्ट बिल्डिंग कलकत्ता में। हाँ, कलकत्ता, बट बॉम्बे जाके ऐसा देखती थी। बाप रे, देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड 42 इन कलकत्ता, 5 फीट के आसपास। Right. 42, it is called 42 because the address is 42 Chauragi Lane. Achha. All right. So they have named the building 42. All right. Thank you, Suresh ji. और हर्षा, आप सुरेश जी से कोलकाता के बारे में जरूर पूछेगा जब इनका टर्न आए। Yes. Right. Suresh ji, पहले कोलकाता में थे, तो Suresh ji, I'm coming up to you as well very soon. So coming up with the next question, Ashish ji. It is generally movies में मैंने ऐसा देखा है कि अगर कोई real estate में है तो they are directly in contact with underworld. Movies का perception है कि real world में भी होता है। नहीं नहीं, यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है, ये खाली एक movie का perception है, बल्कि यहाँ पे untouched गुजरात में तो कोई underworld और ऐसा कुछ भी नहीं है, and we are very safe. ये एक movies तक ही रहता है। Right. To add the spice and humor to it. All right, yes. The next one. Movies and Bombay tak. हाँ, movies and Bombay. उन्होंने राइट ही बोला, गुजरात में हम लोग हर तरीके से सेफ है। All right, the next one. Ashish ji, if you could have any three people over for dinner tonight, who would they be? Three people for tonight for dinner. We are going to be there. आप किसी को भी बुलाओ. Right now, I will have. As a beauty, I will have my favorite Madhuri Dixit over a dinner. And as a book literature, I'll have a Chetan Bhagat over the dinner. Wow. And I will not miss Modi ji ke saath agar dinner karne ko mile, that will be a blessing for me. So this will be a very good combination to have a dinner and chit chat with Madhuri Dixit, Chetan Bhagat and Modi ji. All right. So ghar pe maar nahi padegi na, 2 ghante mein you are asking for the dinner to be ready and that too with these. No, we'll all be ready for that. All right. The next one, your business role model. My business role model is my dad. I completely in awe of him. And for me, he is a role model in everything. And I have a great, great respect and I always salute to him. Business ki baat kare to, in all ways, you have a role model for your dad. But business ki baat kare being today's topic. So what one feature you would like to highlight for him being the role model? In your business, I think his passion. His passion, his positivity, his optimism towards the work. So that is the most important element for any business. You know, जब तक आपके as a passion है, तो any business can't grow old. Right. The next one.
आशीष जी, बिल्डर्स की बात करें तो एकदम अलग पिक्चर दिमाग में आती है, बट इफ आई सी यू एज अ बिल्डर, तो अलोंग विद बिल्डर यू आल्सो अ सोशलाइट, both in terms of being trustee of blind school or maheshwari vidyapith school ya fir in terms of social gatherings. Main social right. gatherings ki baat karun to your social gatherings are the talk of the town, so how do you manage all these together along with being having the personality of a builder? I think we have one life, and as I say, one life mein we have get a lot of roles to play. A role to play a businessman, a role to play a social man, a role to play friends, a role to play a family. So I feel ke we should balance it up everything. And I think hota sab mein hi hai, but koi na koi cheezon ki wajah se ho jata hai. But I'm lucky enough ke I've got a good family. I've got good sets of friends. That includes you. So I'm very much able to balance it off everything. Great. The next one. One thing which is invisible today, but you wish people could see. बहुत प्यार है, बट वो लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं. आई थिंक मोर वी एक्सप्रेस इट विल बी वेरी गुड फॉर एवरी वन एंड विल मेक इट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड. वाओ, व्हाट अ वंडरफुल आंसर. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमिंग अप टू द क्वेश्चन इज योर गुरु मंत्र फॉर द बिजनेस पीपल इन योर इंडस्ट्री एज टू हाउ शुड दे सर्वाइव एंड ग्रो इन दिस इंडस्ट्री. I think the mantra is very same. It's very simple. Whatever we do, we should do it in a systematic way. We should not go in a speculative way. And it's just like we should work towards our passion. And that is as simple as that. Right. So thank you, Ashish. It was a wonderful rapid fire round with you with all your interesting questions along. So let's begin with the rapid fire round with Deepak ji. Deepak ji, all set? Yeah. जो वाइफ होती है वो कभी नाराज और दुखी नहीं होती है एंड हमेशा खुश रहते हैं. वो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग के लिए दिक्कत वाला क्वेश्चन है. जब भी वो स्टोर में आएंगे तो कुछ ना कुछ डिमांड रहेगी कि मुझे ये डिजाइन अच्छी लग रही है, तो फिर देना तो जरूरी हो जाता है. तो डेड इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं कि सोच ही लेते हैं कि इतना चीज बनाया हुआ है, इतना डेड इन्वेस्टमेंट में जाना है. और खुश भी रहती है. और कोई भी चीज हम लोग जैसे ज्वेलरी भी कोई भी बनाते हैं तो मैं काफी टाइम अलग डिजाइन से बनाता हूँ. Right. जो रेगुलर में कहीं पे भी मेरे डिस्प्ले में नहीं होती है. तो हमारे पास मेरी वाइफ के पास जितना भी कलेक्शन है वो मेरे ब्रदर की वाइफ है वीरेन जो है, वो दोनों के पास में जितना भी कलेक्शन है वो टोटली डिफरेंट है. कुछ ना कुछ अलग बनेगा. Right. तो उनको वो भी सेटिस्फेक्शन होता है कि कुछ अलग बना के दिया हुआ है, तो हैप्पी रहेंगे और हैप्पी है. देखो दे आर सो हैप्पी. कभी भी वो दुखी होते हैं वो लोग शोरूम में चले जाते हैं. सो लेट अस आल्सो गो टू द शोरूम. दीपक जी को एक फायदा और भी है ना, अगर इनके इनकी वाइफ कोई चीज से उनका मन पूरा हो गया तो वापस शोरूम में भी जा सकते हैं. एक स्ट्रिक्टली एक वार्निंग रखा हुआ है कि कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं होगी. तो थोड़े थोड़े दिन पे आएंगे और चेंज करेंगे तो वो नहीं चलने वाला है. मतलब एक घर में एक फैमिली में एक वो स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि कोई भी चीज वापस नहीं थी. और यहाँ पे सुरेश जी एक बात बता दूं कि मेरे जो वाइफ है वो कलकत्ता से है. आप कुछ कलकत्ता से जुड़े हुए हैं वो मुझे अभी पता चला. तो मेरे इन लॉ से वो कलकत्ता में है. अच्छा, भवानीपुर. पार्क स्ट्रीट भवानीपुर में भी है. और राइट, द नेक्स्ट वन आप पे कंटिन्यू करते हुए, आप में एक यूनिक स्किल दीपक जी एज अ बिजनेसमैन, आपको क्या लगता है आप में एक ऐसी चीज है जो आप में एकदम यूनिक है टू मेक यू द परफेक्ट बिजनेसमैन? हार्ड वर्क, जो हर एक बिजनेसमैन में होता है. पर मैं हार्ड वर्किंग में बहुत बिलीव करता हूँ. जैसे आपने यहाँ पे सुरेश जी बता, आपने आशीष जी बता रहे थे कि ये गुण जो है वो मेरे फादर के पास से मुझे मिला हुआ है. right. और उन्होंने बताया हुआ था कि हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता है. जो हार्ड वर्क करेंगे तो वो आगे बढ़ना ही पड़ना है. right.
और दूसरा कोई भी चीज होता है मैं खुद करने के लिए सोचता हूँ कि छोटे छोटी बात होती है उसमें मेरे एक व्यूज होते हैं और फिर आगे भले आदमी लोग काम कर ले पर उसमें मेरे व्यूज में दे देता हूँ, तो उनसे काम में बहुत अच्छी तरह से एक ब्यूटी बार आ जाती है, फिर वो मेरी ज्वेलरी है या कोई भी वर्क है। तो ये बात है, ये और ट्रस्ट, हम लोग की ज्वेलरी के फील्ड में ट्रस्ट बहुत ही जरूरी होता है। तो कस्टमर कोई भी चीज जो हमने बताई हुई है वही होनी चाहिए, तो वो ट्रस्ट वाली बात है, ये सभी बात को हमको ध्यान रखना। राइट, सो हार्ड वर्क, ट्रस्ट एंड खुद से चीजें करना आर द यूनिक स्किल्स जो आपने अपने बारे में बताई। दीपक जी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं सूरत ज्वेलरी एसोसिएशन के, तो कोई भी एक सिग्निफिकेंट चेंज को मेंशन करिए जो आपने चेंज करी है या क्रिएट करी है लोगों का ज्वेलरी पर ट्रस्ट लाने के लिए, एक इन्वेस्टर का ज्वेलरी इंडस्ट्री में ट्रस्ट लाने के लिए। जैसे लोग मुझे फॉलो करते हैं या लोग ज्वेलर्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, आपने बोला वैसे हम लोग के ज्वेलरी एसोसिएशन में हॉलमार्क ज्वेलरी अभी मैंडेटरी होने जा रहा है, तो लोगों को एक गाइडलाइन देना था कि हॉलमार्क ज्वेलरी जो मैंडेटरी होने जा रहा है तो आपको इस तरह से करना है। मैं 1997 से हम लोग की जो ज्वेलरी है वो हॉलमार्क है, तब किसी को हॉलमार्क के बारे में पता नहीं था, तब मेरा जो एक्सपोर्ट चल रहा था तो बाहर की फॉरेन कंट्रीज में हॉलमार्क ज्वेलरी ही चलती थी। उसके बाद में जैसे डायमंड की बात आई तो डायमंड में भी हमने फर्स्ट सर्टिफिकेशन मतलब 100% सर्टिफिकेशन वाला शोरूम पूरे गुजरात में से पहला शोरूम हमारा था कि जो ईच एंड एवरी ज्वेलरी जो है वो सर्टिफिकेशन वाली थी। और आज आपने थोड़ा दिन पहले देखा होगा कि वो जो एक मास्क हमने बनाया था जो काफी वायरल हुआ था हर एक जगह पे, तो आउट ऑफ इंडिया भी सभी जगह, जैसे आप गूगल पे डायमंड मास्क लिखते हैं तो पूरी जगह से एक ही बात डी खुशाल भाई ज्वेलर्स दिखता है। तो ये सभी बातें जरूरी होती है और लोग वो उसको देखते हैं और आगे जाके ज्वेलरी फील्ड में काफी लोग ने मास्क बनाना चालू कर दिया क्योंकि अभी जरूरी है, आज का ट्रेंड है लोगों को अलग दिखने के लिए शादी में मास्क पहन के ही बैठना पड़ेगा। Right. ये सभी चलता रहता है। ये सुनते हुए ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि आज की डेट में जब सब कोरोना को खत्म करने की सोच रहे हैं, आपने एक डायमंड स्टडेड मास्क बना दिया, तो ये डेडिकेशन देख के तो कोरोना बिल्कुल वो मास्क पहनने वाले लोगों से भाग गया होगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? एकदम सही बात है, मास्क बनाना जरूरी इसलिए था कि एक कोई कपल आया था जो आगे शादी करने वाला था, बोलता है कि हम लोग जब मंडप में बैठेंगे तो हमें डिफरेंट दिखना पड़ेगा, तो आप हमें कुछ करके दीजिए। तो हमने जो मास्क की डिजाइन बनाई, उन्होंने उस पर से सिलेक्शन किया और फिर बनाया, वो सभी एक बातें थी। पर कोरोना के लिए इतना बताऊंगा कि आज के दिन में भी हमें मास्क पहन के ही रहना चाहिए क्योंकि मास्क आज की नीड है और कोरोना 100% भागने वाला है, अभी उसकी लास्ट इनिंग्स चल रही है, हमें भी वैसे लग रहा है पॉजिटिवली ही हम देखेंगे, और मास्क तो जरूरी अभी के हिसाब से है। राइट, जैसे कि सुरेश जी ने आपसे पूछा कि बताइए कि हम आज इन्वेस्ट किस में करें, तो आपका एक खुफिया सजेशन कि आज हम किस में इन्वेस्ट करें, ये चारों अलग अलग फील्ड में से एक वर्ड में अगर एक इन्वेस्टर को देखना चाहे तो वो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड किस में डालें, एक आपका सीक्रेट सजेशन बट ओपनली बताइए। मैं बताऊंगा एक, पर उसके चारों के मैं और भी फायदे बताऊंगा, पर अभी बताऊंगा तो खाली सिल्वर में आपको जाना चाहिए। सिल्वर जो है वो अभी काफी आगे बढ़ने की संभावना है उसमें, तो उसमें रिवॉर्ड काफी मिलेगा। पर डायमंड में भी विद इन काफी सालों से डायमंड में भी रेट्स जो है वो स्टेबल है, तो आगे जाके डायमंड में भी रेट बढ़ने की 2023 में जैसे यहाँ पे डायमंड बुर्स बन जाएगा और उस टाइम के बाद का जो डिमांड है वो डायमंड को ऑलमोस्ट डबल कर देगा, तो डायमंड भी बहुत अच्छा है, प्लैटिनम भी अभी काफी कम रेट में है, गोल्ड को तो ऑल टाइम जब भी लेंगे तो गोल्ड सस्ता ही है, तो गोल्ड आज खरीदा है लोग सोचेंगे कि बहुत महंगा है, तो आज भी सस्ता है, आप जब पुराने में भी देखेंगे 200 रुपये से चालू हुआ है और आज 54,000 पे पहुंचा है, फिर भी गोल्ड सस्ता है, आगे जाके हमें और ऊंचाई उसको देखने मिलेगी, पर आज के दिन में सिल्वर लेना मेरे हिसाब से जो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो हिसाब से सही है। And last but not the least, aapka guru mantra for the business people in your industry. Bas aage jaake quality jo control hai, jo hum customer ko dete hai, wo quality control karke rakhna hai, नए नए इनोवेशन डिजाइन हमें देना है, और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि आगे जाके सभी को मैं ऐसा बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस काफी बढ़ने वाला है। Right. तो अपना जो स्टोर है उसको
हो सके उतना ई कॉमर्सली रन करे तो वो आगे जाके उसमें काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मेरे अनुभव से इतने जो अभी जो कोरोना के हिसाब से थोड़ा बहुत जो बिजनेस सभी का क्लोज पड़ा हुआ है, जो कम हुआ है, वो मेरे इतने साल का अनुभव ऐसा बता रहा है कि अभी जो नहीं चलता है वो आगे के दिनों में चल जाता है। मतलब आगे के दिनों की जो डिमांड है वो हमें 2-3 years की साथ में डिमांड मिलेगी, उतना बिजनेस आगे जाके चलने वाला। तो नहीं करके सभी को एक जगह पे स्टैंड होके आगे का सोच के आगे का इनोवेशन देखते हुए सभी को रहना चाहिए और आगे जाके बिजनेस बहुत अच्छे हैं और जो 2-3 साल का जो गैप है वो हमें तुरंत आगे जाके फिलअप करना है। जब अपने यहाँ बाढ़ आई थी 2000 something में तभी बिजनेस काफी डाउन चले गए थे, तो बाढ़ में इतना चला कि हम लोग को तो ज्वेलर्स को तो पूरा नाइट भी ज्वेलरी बनाना पड़े, उतना कारीगर लोग में वर्क चल गया था। तो आगे जाके फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहेगा, अभी थोड़ा टाइम ये है उसको हमें पसार करते हैं। राइट, सो थैंक यू दीपक जी, ये हमारे रैपिड फायर राउंड और बहुत कुछ इससे आपसे जानने मिला। चलते हैं सुरेश जी रैपिड फायर राउंड के साथ। तो सुरेश जी शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, सूरत का टेक्सटाइल मार्केट देखा जाए तो सूरत इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बट उसका काफी अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है, पहले तो काफी अनस्ट्रक्चर्ड लेकिन अब काफी बेटर। बट अगर मैं आपका बिजनेस करने का तरीका देखा जाए तो उसमें आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अनस्ट्रक्चर्ड फीचर स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो आपके मैनेजमेंट में से एक या दो चीजों को हाईलाइट करके बताइए कि वो क्या है जो आपके अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सटाइल नहीं नहीं मेरा मैं मैनेजमेंट में तो बहुत पुअर हूँ, बट मैं एक काम जरूर करता हूँ कि कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ कि भी किसी को कुछ भी। हाँ, जैसे दीपक जी ने बोला अपने व्यूज होने चाहिए कोई भी चीज में, हाँ, वो बहुत जरूरी है। हाँ, और काम को डेलीगेट करता हूँ, मैं दूसरों को करने देता हूँ, वो कहीं गलती करते हैं उसको सुधार देता हूँ, बस मैं बैठ के यही करता रहता हूँ। और जो पैरामीटर्स है जो रिपोर्ट्स चेक करने हैं वो ठीक है, बट अदरवाइज जो दीपक जी ने बोला एकदम सही बोला कि काम चाहे दूसरा करे बट आपके व्यूज उसमें होने चाहिए और उसको आप गाइड करते रहो टाइम टू टाइम कि कैसे आगे जाना है। सुरेश जी आपके बिजनेस रोल मॉडल। मेरे बिजनेस रोल मॉडल तो चेंज होते रहते टाइम टू टाइम, बट कुछ एक है जैसे रतन टाटा है और उससे भी ज्यादा आपके कुमार मंगलम जी बिरला है। कुमार मंगलम जी बिरला का एक बहुत अच्छी बात क्या है कि वो इज लाइक रनिंग अ एम्पायर, अ वेरी बिग एम्पायर, बट वो कभी हाईलाइट नहीं करने होने देते अपने आप को। मैं उनकी वाइफ से सूरत में ही मिला था, उनकी वाइफ से बहुत साल पहले, उनकी बेटी थी, यहाँ पे टूर्नामेंट था टेबल टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप टूर्नामेंट था, उस समय मैं उसमें एसोसिएशन में था टूर्नामेंट टेबल टेनिस एसोसिएशन में, तो वो कब आके बैठे उन्होंने, कब उनकी बेटी ने खेला, कब मतलब सो सिंपल, आई मीन हमारे घर के लेडीज लोगों से भी ज्यादा सिंपल। और कभी आप मीडिया देखिए तो कुमार मंगलम जी कभी अपने आप को कभी हाईलाइट नहीं होने देते हैं ज्यादा, बट इज रनिंग अ बिग एम्पायर एंड इज एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। राइट राइट, आपका एक सिंगिंग का आर्ट है, राइट, सो यू लव सिंगिंग, तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? नहीं नहीं मेरा आई डोंट नो हाउ टू सिंग, मतलब आई ठीक है, माय वाइफ डज दैट, तो मैं कभी कभी बीच में ज्वाइन कर लेता हूँ उनको, उनका एक दो क्लब में बना रखे हैं जिसमें हम लोग मेंबर्स हैं, तो वो बीच बीच में कभी कभी प्रोग्राम सिंगिंग प्रोग्राम्स रख लेते हैं, बट सिंगिंग मेरे को नहीं आती, मैंने ट्राई किया कई बार बट आई कुडंट तो कई गाने हैं वो गाने तो अभी याद नहीं है, बट काफी पुराने गाने जैसे फेवरेट्स हैं। एक अगर उसमें से आप बताना चाहें तो? आ लेके चलूं तुझे, वो है ना कौन सा, आ चल के तुझे मैं के चलूं, एक ऐसे गगन के तले वो अच्छा है। फिर एक बहुत पुराना गाना है जो अब सुनने को ही नहीं मिलता है, चांद को क्या मालूम कि चाहता है उसे कोई चकोर। राइट,
कलकत्ता लाइफ और सूरत की लाइफ के बारे में बात करें तो दोनों में खाना पीना बहुत टेस्टी मिलता है, तो आप कलकत्ता से भी जुड़े हुए हैं, सूरत से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पर एक खाना पीना फूड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और टेस्टी मिलता है, तो आप इन दोनों सिटीज में से अगर फूड की क्राइटेरिया पे प्रेफरेंस देना चाहें तो किसको देंगे, कलकत्ता को कि सूरत को? आप मेरे को लगता है कि ब्लैकलिस्टेड करवाने वाली है आप। नेचुरली देखिए स्ट्रीट फूड की जब बात आती है तो कलकत्ता, नथिंग कैन बीट कलकत्ता, मे बी दिल्ली कैन स्टैंड अप टू द कंपटीशन, बट स्ट्रीट फूड में कलकत्ता में लाइक हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहां पे जो कि प्री इंडिपेंडेंस से चली आ रही है, कई जॉइंट्स तो ऐसे है स्ट्रीट फूड्स के जो प्री इंडिपेंडेंस से, सूरत में भी है ऐसा नहीं है, बट वहां पे देखिए शहर बड़ा है तो नेचुरली एरियाज ज्यादा है, ज्यादा वेंडर्स है, ज्यादा सेंटर्स है, और कलकत्ता का फूड इज लाइक यू नीड अ मंथ टू कंप्लीट द मेनू। अच्छा, ऑलराइट, तो ये बातों से लग रहा है कि कलकत्ता का तोड़ नहीं है। ऑलराइट, टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो टेक्सटाइल बिजनेस जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सूरत में तो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं और उनके घर के बच्चे भी वो ज्वाइन कर लेते हैं उनके पेरेंट्स बिजनेस को, टेक्सटाइल बिजनेस को, तो ये जो सूरत लेवल पे टेक्सटाइल बिजनेस जाना जाता है इसको अगर एक नेशनल लेवल पे लेके जाना हो तो आप सेकेंड जनरेशन जो उनके पेरेंट्स के बिजनेस ज्वाइन करते हैं उनके लिए आप क्या राय देंगे, क्या गाइडेंस देंगे वो सेकेंड जनरेशन बच्चों को जो आज अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करते हैं सो दैट उनका ये जो टेक्सटाइल बिजनेस है नेशनल लेवल पर शाइन करे? देखिए ऐसे काफी ऑर्गेनाइजेशन है सूरत में जिन्होंने अपने आप को नेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश किया है, जैसे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग सब को एक साथ जोड़ा है, तो ऐसे काफी बिजनेस हाउसेस है, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ साथ में ही रखना होगा, जैसे आज मैं जैसे सूरत में ओनली मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, मार्केटिंग में नहीं हूँ कुछ एक प्रोडक्ट्स में, तो वो एक ड्रॉबैक रहता है, तो जैसे एक बालकृष्ण जी जानते हैं लक्ष्मीपति ग्रुप है, उन्होंने अपने आप को काफी अच्छा एस्टेब्लिश कर लिया है नेशनल लेवल पे, और भी ग्रुप्स है जिनका मैं अभी नाम नहीं याद आ रहा, बट फॉर्मूला वही है कि यू हैव टू do it in a big way and do it in a comprehensive right अभी सूरत में क्या है कि एक आदमी एक काम करता है, दूसरा आदमी दूसरा काम करता है, तीसरा आदमी तीसरा काम करता है, आज अगर सपोज मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे को जो प्रोडक्ट बनानी है तो वो मैं जब तक खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा या 100% मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करा पाऊंगा तो वो दिक्कत हो जाती है। करेक्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग जितना खुद से अलाइन हो सके जैसे आपने बताया तो वो एक तरीका है, और आपका आप इतने सालों से बिजनेस में हैं, कोई भी एक एग्जांपल या इंस्टेंस जो आपका फेवरेट सेलिंग एक्सपीरियंस रहा हो, आपने जब अपने प्रोडक्ट को सेल किया हो तो कोई आपका फेवरेट सेलिंग एक्सपीरियंस? हाँ अक्षा जी, अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहा, बट एक्सपीरियंसेस काफी रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा जंग भी लग गया कोरोना काल में बैठे बैठे। राइट, और आपके एक सजेशन आपकी तरफ से गुरु मंत्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजनेसमैन? सी इन एवरी बिजनेस जैसे बाकी सबने भी बोला कि लव व्हाट यू डू, दैट इज द Only मंत्र, भी आप जो कर रहे हो उससे प्यार करो। Right. So thank you, सुरेश जी, काफी कुछ ये rapid fire round के थ्रू आपसे जानने मिला। तो यहाँ पर हमारा rapid fire round complete होता है,
तो ये स्पीकर्स ने काफी अच्छे तरीके से अपने फील्ड को जस्टिफाई किया और एक्सप्लेन किया इन द कमिंग अप मार्केट इन द कमिंग अप एरा. आई वुड रिक्वेस्ट बालकिशन अग्रवाल जी जो एक सीए है जीएसटी की प्रैक्टिस में और बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपकी एक्सपर्ट एडवाइस आज के एरा में फॉर द बिजनेस क्या होगी? थैंक यू वेरी मच हर्षा, और बहुत ही अच्छा लगा दीपक जी, आशीष जी और सुरेश जी को सुनकर. सूरत जो है वो अपने टेक्सटाइल और डायमंड के लिए तो जाना ही जाता है, और अभी सालों से रियल एस्टेट के लिए भी जाना जाता है. और अभी जो यहाँ पे बातें हुई, सभी ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करे. और अगर मैं सूरत की बात करूं तो जैसे कहावत है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा. तो नो डाउट हमारे सूरत के जो जितने भी अभी तीनों जो स्टार है, कि जैसे दीपक जी ने बताया कि बहुत हार्ड वर्किंग की है तभी आज ये चमक रहे हैं. तो और सूरत में मेरा ऐसा मानना है कि सूरत में जो बिजनेस है ना वो हम लोगों की रग रग में बसता है, और इसीलिए सब लोगों ने इतनी मेहनत करके ग्रोथ की है इतनी, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा किया है. और अगर मैं कोविड से रिलेटेड अगर आगे की बात करूं तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि जो सिचुएशन पहले थी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग थी, लेकिन पिछले 10-15 दिनों में जो धीरे धीरे पिकअप आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सितंबर के बाद सूरत एटलीस्ट जो है ना कोरोना का भूल जाएगा. जो डिमांड आ रही है, चाहे आप टेक्सटाइल की लो या रियल एस्टेट में लो या फिर डायमंड मार्केट में लो, सितंबर ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा जाने वाला है. मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी बिजनेसमैन से, अब आप अपनी कमर कस लीजिए. ये प्रिपरेशन का टाइम था जो 4-5 गया महीने जो गए, ये प्लानिंग का टाइम था. ये आप क्वारंटाइन होके अपने आप को एक तरह से जो साइलेंस में रह के आप अपने आपके बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं वो टाइम था, और अब आपका फील्ड में आने का टाइम आ गया है, और बहुत अच्छा मार्केट जो है आने वाला है. और बी पॉजिटिव, हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए. और सूरत पहले भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं और बहुत रैपिडली उसको आगे बढ़े हैं, और वही टाइम अभी आने वाला है. जो अगर मैं पिछले एक हफ्ते की अगर एनालिसिस देखता हूँ तो बहुत अच्छा टाइम आएगा, और सितंबर ऑनवर्ड्स वी विल ग्रो बेटर बेटर एंड बेटर. सो थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पीकर्स एंड हर्षा फॉर नाइसली कोऑर्डिनेटिंग दैट होल सेशन, एंड हैंड ओवर टू हर्षा. या ऑल राइट, तो बहुत अच्छे से सबने अपनी सजेशंस पुट किए, और अब ये पूरा सेशन बहुत पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिस्टिक वे में चला गया है कि अब तो राइज ही राइज है, क्योंकि जो एक स्टेबल होना था वो हो चुका है, जो एक शांत रहना था वो हो चुके हैं. अब सीधा ऊपर देखें और चलते रहें, जितना आराम करना था अब घर बैठ के कर चुके हैं. अब कमर कस लीजिए और शुरू हो जाइए अपने हार्डवर्क की तरफ. Thank you all the speakers. It was a great session. बहुत सारा जानने मिला अलग अलग fields के बारे में, and believe me, एक नया perspective मिला business को समझने के लिए. So thank you all the speakers. Thank you Suresh ji, Ashish ji. Thank you. Thank you so much. Thank you Asha. It was a great session. Thank you so much. Right. Thank you. It was pride. It was our pride having all of you here. So here we conclude the session. Should we? Thank you. Yeah, please. Yep. All right. Thank you. All right. Good night, everyone. Good night. Bye-bye. Bye.